पैराडाइज पॉइंट अगेन। अभी इस मौसम में जो कि बरसात का मौसम है, अभी यहाँ पे फर्न्स मैक्सिमम पॉपुलेशन में है, क्योंकि हमें पता है कि फर्न्स तो टेरिडोफाइट्स होते हैं और टेरिडोफाइट्स को मैक्सिमली ग्रो करने के लिए चाहिए होता है पानी, बिकॉज उनमें रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो अभी आपको यहाँ पे पूरा ये तो सामने वाओ, वीडियो बनाते बनाते हमें क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिला, दैट इज अ रेप्टाइल। ये गिर गया था क्या यार? सैलामेंडर। एक सैलामेंडर दूसरे सैलामेंडर को देख के डर गया। तो अभी देखो यहाँ पे पूरा ये फर्न्स भी फिर आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, फिर डर गया दूसरा सैलामेंडर। ये तो गिरगिट की फैमिली का ही लग रहा है, नाच के दिखा रहा मैं। चलो तुम कंटिन्यू रखो। हाँ तो यहाँ पे पूरा ये पूरा जितना भी देखो सिर्फ चिड़िया बैठी है उस फोन के ऊपर, कितनी सुंदर, हाँ छोटी सी। तो अभी ये सारा फर्न्स ही फर्न्स हैं। तो बेस्ट, ये बेस्ट एग्जांपल है टू शो कि क्यों जो टेरिडोफाइट्स हैं वो हर जगह देखने को नहीं मिलते। टेरिडोफाइट्स का जो ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ही नैरो होता है। क्यों? क्योंकि उनको ठंडी जगह चाहिए होती है ग्रो करने के लिए एंड दे नीड वाटर। तो अभी जो बरसात का मौसम है यहाँ पे पूरी वादियों में पूरा फर्न्स हैं, ये सारे टेरिडोफाइट्स हैं। और जब हम यहाँ पे सर्दियों में आए थे फरवरी के महीनों में तो यहाँ पे कोई फर्न नहीं था, मतलब थे बट इतनी फुल ग्रोथ में नहीं थे। तो मतलब आप देख सकते हो, एंड दिस, यस दिस इज कॉल्ड एज द सर्सिनेट वर्नेशन इन फर्न्स। ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनकी जो पत्तियां होती हैं वो अंदर की तरफ इनफोल्डेड होती हैं और जैसे जैसे ग्रो करता जाएगा ये पत्तियां ओपन होती चली जाएंगी। दिस हैबिट ऑफ टेरिडोफाइट्स इज कॉल्ड एज सर्सिनेट वर्नेशन। अभी इनमें इनमें पत्तियों के नीचे जब इसमें रिप्रोडक्शन के सीजन होगा अब इनके पत्तियों के नीचे बीच में स्पोरांजियम बन जाते हैं ब्राउन कलर के, जो मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी। So to be continued with ferns.